नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका ओडिशा छत्तूचास चैनल में। आपने देखा होगा कभी कभी आपके मशरूम फार्मिंग जब कर रहे हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बेड में आपका एक भी मशरूम नहीं आया होगा, एक भी मशरूम। और कभी कभी अच्छा मशरूम आपके फार्म में आता होगा, लेकिन कभी कभी बिल्कुल एक भी मशरूम आपके बेड में नहीं आया होगा, या फिर कुछ बेड में मशरूम आया होगा और कुछ बेड में बिल्कुल नहीं आया होगा। तो ऐसा अगर आपके फार्मिंग में, अगर आपके फार्म में ऐसा सिचुएशन आ रहा है, तो उसका कुछ कारण है और उसका सलूशन भी है। तो पहले पता करते हैं कारण क्या है। पहला कारण, अगर आपके मशरूम फार्मिंग में कुछ बेड में बिल्कुल आपको एक भी मशरूम नहीं आया है, तो पहला कारण क्या है, पहले पता कीजिए आपका जो मशरूम बेड है ज़्यादा वजनदार हो गया क्या। ज़्यादा वजनदार मतलब आपका जो आपने जो लगाया है पायरा, या फिर लगाया आपने पुआल लगाया है, जो स्टेप बाय स्टेप करके लगाया है, आपने कितना पायरा लगाया है, कितना लेयर का पायरा आपने लगाया है, कितना लेयर का आपने पुआल यूज किया है। और जब यूज किया है तो वो पायरा जो है, जो पुआल है, वो ज़्यादा गीला था क्या, ये बात का आपको देखना है। और आपने बहुत ज़्यादा पुआल यूज कर दिया है क्या बेड में। अगर आपने अब हमारा जितना रिक्वायरमेंट है एक बेड के लिए, उससे अगर ज़्यादा आप डाल देते हैं पुआल, हमारा जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं, हम लोग लेते हैं जनरली चार चार करके, चार चार आठ चार बारह, उसके ऊपर एक यूज करते हैं, तो 13, कोई कोई आदमी 16 यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने अगर ज़्यादा पुआल यूज कर दिया है तो क्या होता है, बेड दब जाता है, बेड प्रेस हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो माइसेलियम है वो सांस ले ही ले पाता है। तो क्या होता है, हमारा वो जो माइसेलियम है वो वहीं पे खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। पीनेट जो है वो ग्रोथ नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे जो पीनेट जब ग्रोथ होता है उसको हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वो टाइम पे अगर आपका पुआल बहुत भारी हो गया है, वजनदार हो गया है, तो आपको एक भी मशरूम नहीं मिलेगा, सब आपका मशरूम खत्म हो जाएगा, आपका वो सब बेड जो है उसमें आपको बड़ा लॉस हो सकता है। ये है पहला कारण। इसीलिए जब बेड बनाते हैं तो मिनिमम आप रखिए 4 4 8 4 12 प्लस ऊपर एक 13 बंडल 14 बंडल में आपको खत्म करना है। अगर आप और एक लेयर दे सकते हैं, और एक और चार दे सकते हैं, और एक लेयर कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या है, बहुत ज़्यादा पुआल दे देते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा बेड जो है दब जाता है, वजनदार हो जाता है। और पानी अगर आपने ठीक से ड्रेन नहीं किया है तो वजन जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है वजन, तो उसमें क्या होता है, हमारा लॉस होता है, प्रोडक्शन हमको ठीक से नहीं मिलता है। दूसरा कारण क्या है, अगर आपने जो बीज डाला है, जो स्पॉन डाला है, अगर चेक कीजिए, अगर वो सही से नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है, आपने इमैच्योर स्पॉन डाल दिया है। मैच्योर वाला स्पॉन से ही आपको माइसिलम मिलेगा और पीनहेड मिलेगा और आपको मशरूम मिलेगा। लेकिन अगर आपका स्पॉन जो है, अगर वो रेडी नहीं है, आपने उससे पहले डाल दिया है, जल्दी जल्दी के चक्कर में जल्दी जल्दी डाल दिया है, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो क्या है, वहीं पर सड़ जाएगा। आपका स्पॉन जो है अंदर जाएगा और उसके बाद वो जो बेड का जो आएगा हीट आएगा, गर्मी आएगा, गर्मी में वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। आप जब लेयर उठा के चेक करेंगे तो उसमें एक भी मशरूम नहीं होगा, कुछ भी माइसिलम नहीं आएगा, ये आपका बेड खाली रहेगा। ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या सकता है, मोल्ड। अगर आपके मशरूम में, आपके बेड में मोल्ड है, आ गया है, या फिर आपने जो स्पॉन डाला है, स्पॉन के अंदर मोल्ड होगा, आपको पता नहीं चला, आपने बेड डाल दिया है, तो आपका बेड जो है पूरा मोल्ड में भर्ती हो गया है, मतलब मोल्ड जो है पूरा स्प्रेड हो गया आपका एक बेड में, उससे और एक बेड को भी जा सकता है। तो अगर मोल्ड आ गया है तो मोल्ड क्या करता है, माइसिलम को दबा के उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो ऊपर मोल्ड नीचे माइसिलम, तो क्या माइसिलम आगे बढ़ नहीं पाता है, तो वहीं पर वो खत्म हो जाता है, तो आपके बेड में कुछ भी मशरूम नहीं आएगा। ये जो तीन कारण है वो मेन कारण है। अगर आपके बेड में पूरा एक भी मशरूम नहीं आया है, तो
तो उसका कारण ये हो सकता है। पहला क्या है, अगर बेड आपका बहुत ज़्यादा वजनदार हो गया है, बहुत ज़्यादा पानी आपने यूज किया है, आपने पानी ठीक से ड्रेन नहीं किया है और आपका पुआल जो है वो ज़्यादा है, उसमें क्या होता है, सांस नहीं ले पाता है हमारा माइसिलियम या पिन हेड। दूसरा आपको बताया, अगर वहाँ पे मोल्ड आ गया है, अंदर मोल्ड आ गया है, तो भी आपका मशरूम जो है वो नहीं आएगा। और क्या है, अगर आप इमैच्योर स्पॉन आपका अगर रेडी नहीं हुआ है, उसको आप यूज कर रहे हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पे रह जाएगा। इसलिए स्पॉन को चेक कीजिए। खाली व्हाइट व्हाइट आ गया मतलब उसका मतलब नहीं है कि हमारा स्पॉन रेडी हो गया है। स्पॉन हमारा अच्छे से पूरा माइसिलियम फैल के और हमारा जो स्पॉन है वो पूरा कंप्लीटली रेडी होना चाहिए, थोड़ा येलोइश कलर आना चाहिए, तब जाके समझ में आएगा हमारा स्पॉन पूरा 100% मैच्योर है, हमारा बीज मैच्योर हो गया है, जो हम बेड में डाल सकते हैं, तुरंत हमको उसका फल मिलता है, 5 दिन के अंदर माइसिलियम भर जाता है बेड में। लेकिन अगर इमैच्योर स्पॉन यूज करते हैं तो वो बिल्कुल हमको कुछ भी फायदा नहीं देता है। ये 3 चीज को याद रखिए, फॉलो कीजिए और कभी भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेड में, हमेशा आपको अच्छा वाला पुआल मशरूम मिलेगा। आशा करते हैं ये मैसेज आपको अच्छा लगा होगा, आपके काम में आएगा आगे फ्यूचर में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके मन में कोई विचार है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जगन्नाथ।